है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सना, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और कैसे हैं आप सब, प्लीज़ बताइएगा मुझे। और मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है, बट मैं व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज मुझे आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना है, मुझे अच्छा लगता है। और बिल्कुल भी सीरियसली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और देखिए मैं गाँव में कितनी बड़ी बड़ी बिंदी लगाने लग गई हूँ। एक्चुअली मैं दिल्ली में नहीं लगाती हूँ, तो मैं सोचा चलो यहाँ थोड़ा सा बहू बन के देखूँ। मैं बहू तो मैं वहाँ पे भी हूँ, बट इतनी बड़ी बड़ी बिंदी नहीं लगाती हूँ। और आप लोगों ने देखा ही है कि मैं इतना मेकअप नहीं करती हूँ, बट यहाँ थोड़ा सा अच्छा लगता है। पता नहीं चलता कौन कहाँ से कब आ जाए कि मुझसे मिलना है। गांव में होता है ना कि अच्छा उसकी बहू आई है, अच्छा उनकी बहू आई है, अच्छा मिलना है चलो। तो गाँव की लेडीज़ है वो भी मिलने आ जाती है, कोई भी आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और मैंने पहना है रेड वाला सूट जो मैंने स्टिच कराया था, ये वाला ऑरेंज और रेड कलर के बेस में था ये मेरा दुपट्टा इसका। और मैंने सलवार वाला स्टिच कराया, ये देखिए सलवार वाला स्टिच कराया सॉरी। और आज क्या होने वाला है, आज डेट है 6, हाँ जी आज 6 तारीख है। आज 6 तारीख है, मुझे पता नहीं यहाँ पे आगे ना डे का ही नहीं पता था कौन सा डे है। शायद शायद वेडनेसडे है, सॉरी। एंड मेरे पतिदेव है वो आ गए हैं वापस, आज 6 तारीख है। और अभी हम गए थे यहाँ पे मेरी दवाई लेने के लिए, फिर मैं वहाँ पे कचौरी खा के आई हूँ, बहुत अच्छी कचौरी मिलती है यहाँ पे। एंड मैंने एक साड़ी स्टिच करानी थी, बट यहाँ पे मार्केट बंद है। मुझे अभी पता चला कि गांव में अमावस्या होती है, आज 6 तारीख है तो आज अमावस्या है, तो उस दिन मार्केट बंद होती है। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, बट मार्केट बंद होती है। मुझे उसके लिए उसका इनर वगैरह लेके आना था, ब्लाउज पीस का, और आज भी नहीं आया, मतलब कल स्टिच करके देंगी वो। एंड आज भी डीजे आएगा। और शाम को आज भी बिंदोरा डाल रहे हैं, कल डाला था, मतलब मेरी मम्मी सास और चाची इन सब ने मिलकर, और आज डालेंगे बुआ बुआ वगैरह सब मिलकर। तो आज भी डीजे आएगा। बिंदोरे में क्या होता है, चलो मैं आपको बताती हूँ बिंदोरे में होता क्या है। यहाँ पे एक्चुअली जैसे बुआ जी डाल रही है बिंदोरा, तो सब सारे जो रिलेटिव्स हैं हमारे घर में, जितने भी रिश्तेदार आए हैं, जो यहाँ पे मतलब जिसकी शादी होती है उनके घर पे जितने भी रिश्तेदार होते हैं जो बिंदोरा डालते हैं, उनके वहाँ पे खाते हैं। लाइक जैसे बुआ जी का तो यहाँ पे घर नहीं है, तो बुआ जी वहीं बनाएंगी, बट जो भी खाना बनेगा वो उनके पैसों से बनेगा। और जो दूल्हा होता है वो दिया लेकर, मतलब जहाँ यहाँ पे ना डीजे ऐसे आते हैं कि उनको वो होता है गाड़ी टाइप में होती है, और उसमें लेके जाते हैं डीजे के साथ साथ में, दूल्हे को भी लेके जाते हैं, फिर नाचते हैं सब, फिर वापस आते हैं। ऐसे सब कुछ होता है बिंदोरे में, बिंदोरा ऐसे डालते हैं। मिठाई मंगवाई जाती है, दूल्हे को मिठाई खिलाई जाती है, जो भी खाने का होता है सब खिलाया जाता है, सारे रिलेटिव्स उनके घर उनके पास खाते हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो आज भी डीजे आएगा, आज बिंदोरा होगा, बिंदोरा डालेंगे ऐसे बोलते हैं, होगा नहीं बिंदोरा डालेंगे। और आप लोगों को पता है तेल का फंक्शन होता है, तो आज तेल का है, तो शाम को, और हमारे यहाँ पे तेल होता है उस दिन रात को, मतलब पूरी रात देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं जो भी होते हैं, तो आज पूरी रात रात जगेगी। बट मैं तो एक भी दिन नहीं जगी, और मैं तो आराम से आके सो जाती हूँ, मुझे गीत गाने नहीं आते हैं। जो लेडीज़ गीत गाती हैं वो नहीं आते मुझे, सॉरी। एंड मेरी तबीयत ना बहुत ख़राब है। और क्या बताना था आपको, आज हाँ मैं गई थी फिर वापस आ गई, तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। और आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ एज ए बहू, क्योंकि वहाँ तो मैं बहू के रूप में रहती ही नहीं हूँ, ना मेकअप करती हूँ ना कुछ। तो बस अभी मैं कमरा बंद करके बैठी हूँ चुपचाप, क्योंकि मैं सोच रही थी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, सो जाती हूँ। तो बस गाइस चलिए शाम को दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे डालते हैं कैसे नहीं। वही बस दूल्हा साथ साथ जाता है डीजे के, बाकी सब तो एंजॉय करते हैं, और वो
और वो चुन्नी रखते, मतलब चार इधर, एक दो तीन चार, चारों साइड उनके ऊपर से चुन्नी लेके वो चलते हैं। तेल चढ़ाया जाता है रात को, मतलब रात जगाई जाती है, ऐसे बोलते हैं, रात जगाई जाती है। और बस हमारे यहाँ पे मतलब 40 मेंबर हो गए हैं जो सिर्फ घर घर के हैं, तो उन सब के लिए 10-40-50 आदमी हो गए हैं जिनके लिए खाना बनाया जाता है, और इतने बड़े पतीले में खाना बनाते हैं, तो अच्छा लगता है। सब मिलकर काम करते हैं, और यहाँ पे चूल्हे पे रोटी बनाई जाती है, और यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बहुत अच्छा होता है। मेरे नाक बंद है ना तो रुक जा रही है आवाज़, गला भी ख़राब है। एंड मैं आज थोड़ी थोड़ी सी हैप्पी हूँ बिकॉज मेरे पति देव आ चुके हैं, बट वो रहते नहीं है मेरे पास, बस बाहर ही बाहर रहते हैं। तो चलिए गाइस, मैं कर लेती हूँ आराम, एंड मिलती हूँ आप सबसे बाद में। ओके है गाइस, तो टाइम हो रहा है शाम के 3 बज रहे हैं, शाम के मतलब दोपहर के 3 बज रहे हैं, और बस थोड़ी देर में सब तैयार हो रहे हैं, और मेरा मन नहीं कर रहा तैयार होने का। मैं ठीक हूँ ऐसे ही, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है, और क्या तैयार हो। एंड मैं फिर खाट पे लेटी हुई हूँ, और चलो मैं अभी बताती हूँ आप सबको। शोर होता रहता है, प्लीज़ डोंट माइंड, बिकॉज इतने सारे बच्चे हैं ना, कोई किधर से बोलता है और कोई किधर से बोलता है पता ही नहीं चलता है। एंड चलो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे परिवार में कौन कौन है। तो जो पापा जी हैं वो 6 भाई हैं, मतलब कि 5 मेरी चाची सास हैं, एंड 5 चाचा ससुर हैं, और जो बड़ी वाली चाची है उनके 4 बच्चे हैं जो हमारे साथ वहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मतलब हमारे पास नहीं, 2 गली छोड़ के रहते हैं। एंड 3 चाची मेरी यहाँ रहती है गांव में, और 1 चाची रहती है सीकर, राजस्थान, सुना होगा आप लोगों ने वहाँ पे। एंड उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो लास्ट वीडियो में आपने देखी थी छोटी सी ननद, वो मेरे सबसे छोटे चाची की है। और मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कोई नहीं समझता कि मैं बहू हूँ। एंड देखो मुझे ना मच्छर ने खा लिया था, तो कैसे लाल लाल हो गया, एंड मेरा कलर बहुत डार्क हो जाता है गाँव में आके, फेस अजीब सा हो जाता है। एंड और 3 चाची मेरी यहाँ रहती है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और सबसे अच्छी मुझे लगती है ऋषिका, जिस जो लास्ट वीडियो में आपने देखी थी, एंड उन्हीं का ही एक भाई है, वो अच्छा लगता है, वो बहुत क्यूट सा है, मेरा सबसे छोटे वाले देवर हैं वो। एंड सब तैयार हो रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि पिंदोरा डालेंगे, तो उसके लिए डीजे आने वाला है, बस मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ 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 कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका पक्का आंसर दे दूँगी, जो भी आप पूछना चाहते हो राजस्थान के बारे में, जो अगर मुझे पता होगा तो मैं पक्का पक्का आपको आंसर करूँगी। एंड तो बस गाइस यही चल रहा है, और ब्लॉग ना कुछ अजीब से जा रहे हैं, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, मैं दिल्ली आ जाऊँ वापस, फिर आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, बिकॉज़ मैं यहाँ पे बहू हूँ, तो आप सब जानते हो कि मैं घूंघट में नहीं ब्लॉगिंग कर पाती हूँ। कर पाने का भी मतलब नहीं है, मना नहीं करेगा कोई, बट आप लोग जानते हो कुछ लिमिटेशंस हमको खुद रखनी चाहिए, हमें खुद समझना चाहिए कि नहीं ये अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए गाइस मैं दिल्ली आ जाऊँ, फिर आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। फिलहाल जो व्लॉग में डाल रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, गंदे कमेंट्स मत करिएगा, बिकॉज़ मैं यहाँ पे व्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत कम व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि मैं घूंघट में व्लॉग बनाऊँ। बट मैंने सॉरी पूरी कोशिश की थी लगन वाले दिन का पूरा शूट करने की, और वो व्लॉग अच्छा गया था, मुझे पता है, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया। तो चलिए गाइस मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। ओके तो देखिए गाइस, इस तरीके से दूल्हे की पूजा की जाती है, और ये जो बगल में बच्चा बैठा है वो ज़बरदस्ती बैठ गया है ज़िद करके, तो इन्हें भी माला पहना दी गई है। आप लोग गलत मत समझिएगा कि ये भी दूल्हे हैं, ये दूल्हे नहीं हैं, ये बस ज़िद के कारण बैठ गए थे। और बस इसी तरीके से
ब्लॉग, वो सॉरी ब्लॉग नहीं, बिंदोरा डाला जाता है, ब्लॉग बना बना करके ब्लॉगिंग ही आ गई है। तो बस बाद में फिर सब इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं और बहुत मज़ा आता है। ये एक तरीके का फंक्शन हो जाता है बिंदोरा डालने का। और जब रात को सारी फैमिली डांस करती है तो बहुत बहुत मज़ा आता है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है बिंदोरे को लेकर के तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। और कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी बता दीजिएगा, मैं आपके सजेशंस को बहुत ही सीरियसली लेती हूँ। तो चलिए गाइज़, मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।